हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड. आज अपन पढ़ेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 3B. देखो, आपको क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रुपीज़ इनटू पैसे. जो रुपीज़ में देख रहा है आपको, उनको कन्वर्ट करना है इकाई में, पैसे में. तो आपको पता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. तो यहाँ पे देखो, रुपीज़ 8 दे रखा है, तो आपको 8 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 800 पैसे. फिर बी वाला है रुपीज़ 19, तो 19 के अंदर अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1900 पैसे. ऐसे ही सी वाला है रुपीज़ 67, तो 67 में भी आपको क्या करना, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6700 पैसे भी आ जाएगा. फिर रुपीज़ 39.85, अगर इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3585 पैसे आ जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा. ऐसे ही ई वाला देखो, 83.84, तो पॉइंट हट जाएगा और 8384 पैसे. फिर 0.46, तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 46p. क्या हो जाएगा, 46p. फिर 0.60, तो ओनली क्या हो जाएगा, 60p. मतलब फिर 0.07, तो कितना हो जाएगा, 7 पैसे. फिर रुपीज़ 87.24, तो पॉइंट हट जाएगा, तो 8724 पैसे. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, आपको पैसे में दे रखा है लेकिन आपको उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. तो देखो, 525 पैसे, तो अगर इसमें आप 100 का डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड, तो 5.25 पैसे आ जाएगा, मतलब रुपीज़ 5.25. फिर 500 पैसे, तो रुपीज़ 5 9 पैसे, तो रुपीज़ 0.09. 3153 पैसे, तो रुपीज़ में क्या हो जाएगा, 31.53. फिर 600 पैसे, तो रुपीज़ 6.08. फिर 76 पैसे, तो रुपीज़ 0.76. ठीक है, ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है. ऊपर वाले में 100 का मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले में 100 का डिवाइड करना है. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.